इस वक्त हम मौजूद हैं शुल्ली यूनिवर्सिटी पर। हमारे साथ शुल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री पीके घोसला साहब मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आशीष रविशंकर जी यहाँ पर आ रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं और कहीं दुनिया भर में उनका बहुत नाम है। आज आपके बच्चों के बीच होंगे, किस तरह का अनुभव? शुल्ली विश्वविद्यालय की ये तीसरी कन्वोकेशन है। पहली कन्वोकेशन में हमारे डॉक्टर कलाम आए थे और दूसरी में हमने एक नोबेल लॉरेट को बुलाया था। हम सोचते थे अब किसको बुलाएं, सोचते सोचते विचार आया कि ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जो आध्यात्मिकता के लिए, शांति के लिए और जो प्रेम और प्यार के लिए जिसका महत्व हो। तो हमारी आंख जाकर रविशंकर जी के ऊपर टिकी। हम पिछले महीने मैं और हमारी यूनिवर्सिटी की ट्रस्ट की प्रेसिडेंट मिसेस खोसला, हम बेंगलोर गए, उनसे प्रार्थना की, उन्होंने स्वीकार कर लिया। हम उसके बड़े धन्यवाद दिए विश्वविद्यालय की, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों को कैसा मौका मिलेगा। डिग्रियां तो हमेशा उनको बड़े बड़े वैज्ञानिकों से या पॉलिटिशियन से मिलती रहेंगी, पर मैसेंजर ऑफ गॉड से मिलनी मेरे लिए तो ये बहुत महत्व रखती है। क्योंकि जब बच्चे मेरी उम्र के होंगे तब सोचेंगे ओ दैट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बताया कि बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण ये होगा, लेकिन जब ये खबर तमाम बच्चों को मिली कि श्री रविशंकर जी उनको डिग्री देने वाले हैं, उनका रिएक्शन किस तरह का था, आपसे क्या कहा? हम नॉर्मली जब कन्वोकेशन होती है 40% स्टूडेंट हमारे आते हैं, तो हमने सोचा था कि इस बार 700 बच्चे आएंगे, हमें 1100 बच्चों का अरेंजमेंट करना पड़ा। ये अपने आप में एक संकेत है कि बच्चों में उत्साह है, बच्चे उनको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और उनको वो सुनना चाहते हैं। सर आज का कार्यक्रम किस तरह का रहेगा? श्री रविशंकर जी आएंगे, उसके बाद किस तरह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा? रविशंकर जी सुबह 12 बजे हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट विश्वविद्यालय के प्रांगण में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। वहां पर हमारे प्रो वाइस चांसलर और हमारे डायरेक्टर फाइनेंस उसको रिसीव करेंगे और जब यूनिवर्सिटी के गेट वे आएंगे तो वहां पर उनको कार्ट में लेकर जाए ऊपर आएंगे, ताकि सड़कों के किनारे जो हमारे बच्चे खड़े होंगे उनके दर्शन कर सके और उनको वेव कर सके। तो उस वो सीधा हमारे यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में जाएंगे, वहाँ पौधा लगाएंगे और पौधा लगाने के बाद 1.5-2 घंटे रेस्ट करेंगे। उसके बाद रेगुलर यूनिवर्सिटी का जो कन्वोकेशन का कार्यक्रम है 2:30 बजे शुरू हो जाएगा। वो हमारे प्रोसेशन को हेड करेंगे और सभी हमारे प्रोसेशन के जो वैज्ञानिक हैं या दूसरे लोग हैं उन सब से उनका इंट्रोडक्शन होगी। उस प्रोसेशन के बैठने के प्रोसेशन जब स्टेज पे बैठ जाएगा तो यूनिवर्सिटी की परंपरा के अनुसार कन्वोकेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। वो सभी बच्चों को अपने हाथों से डिग्रियां देंगे और बच्चों को मेडल्स और मेरिट सर्टिफिकेट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। ओके थैंक यू जी। तो यहाँ पर शुल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर घोसला साहब ने साफ किया कि ये बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित है क्योंकि श्री रविशंकर जी खुद आकर डिग्री को बांटेंगे, उनको देखने का मौका मिलेगा। और एक बात और भी कही जा रही है कि पहले 600 बच्चे यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन जब श्री रविशंकर जी के आने की बात यहाँ मालूम चली तो यहाँ पर अरेंजमेंट अधिक छात्रों का करना पड़ा। यूनिवर्सिटी में एक उत्सव जैसा माहौल है, श्री रविशंकर जी यहाँ पर आने वाले हैं, ऐसे में अब बच्चों को इंतजार है कि कितनी जल्दी वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद श्री रविशंकर जी उनसे रूबरू हो पाए। कैमरा आरती के शरद अवस्थी, एमएसओ न्यूज सोलन। हमारे साथ वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्हें आज डिग्री मिलने वाली है श्री रविशंकर जी के हाथों, उनसे बातचीत करते हैं। आज खुद आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर जी आपके कॉलेज में आ रहे हैं और आपको उनके हाथों से डिग्री मिल रही है, किस तरह का एक्सपीरियंस? आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड, लाइक बहुत लोगों को ये मौका नहीं मिलता है, उन्हें एक्सप्लेन करना होगा कि उन्हें डिग्री किसके हाथों मिली है, लेकिन हमें किसी को लाइफ में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी कि हमें उनके हाथों डिग्री मिली है, इससे खुशी की कोई और बात नहीं हो सकती। हम लोग बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, प्रिविलेज्ड फील कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से उनके बारे में कहा जाता है विश्व में शांति के लिए लगातार काम कर रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, आप लोग कितनी प्रेरणा लेते हैं उनसे? जी, उनके कोर्स यहाँ पर होते रहे हैं, 3 कोर्सेज अभी तक यहाँ हो चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसका पार्ट नहीं बन पाए थे, लेकिन आज हमें बहुत खुशी हम गुरु जी से मिल पाएंगे। बिल्कुल, आपको डिग्री आज मिलेगी गुरु जी के हाथों, कितना अच्छा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि प्रियंका ने बताया कि जो है वो डिग्री बहुत बड़ी बात है, तो हमें श्री रविशंकर जी के हाथ से जो है वो डिग्री मिल रही है तो बहुत खुशी की बात है। और आज तक हमने उन्हें कभी लाइव नहीं देखा, तो आज हमें मौका मिल रहा है कि हम उन्हें लाइव देखें, उनके हाथ से डिग्रीज ले, तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए और वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी हिम। बिल्कुल, अगर बात करने का मौका मिले तो कैसा लगेगा? उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। इन तमाम स्टूडेंट्स चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं और कितने एक्साइटेड हैं
के शिशिर रविशंकर जी यहाँ पर आएंगे और अपने हाथों से उनको डिग्रियां देंगे और अब उस पल का इंतजार इन तमाम बच्चों को है। कैमरामैन के साथ शरद अवस्थी, एमएचवन न्यूज।